अमेरिका के मैरीलैंड में कार्गो जहाज के टकराने से फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज का एक हिस्सा ढह गया। घटना अमेरिकी समय अनुसार रात करीब 1:30 बजे हुई। वही पुल से टकराने के बाद इसमें आग लग गई और जहाज डूब गया। यह जहाज श्रीलंका की राजधानी कोलंबो जा रहा था। इसका नाम दाली बताया जा रहा है। अधिकारियों ने कहा कि 7 लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। पुल ढहने की वजह से इस पर मौजूद कई गाड़ियां भी पानी में गिर गई। बताया जा रहा है कि ब्रिज पर हादसे के बाद सभी लेन बंद कर दी गई है और ट्रैफिक रोक दिया गया है। फ्रांसिस की ब्रिज 1977 में पेटापस्कोक नदी के ऊपर बनाया गया था।